हेलो भाई लोग, मनीष एडिटिंग चैनल में आपका स्वागत है। भाई लोग, इस प्रकार के क्रिसमस डे फोटो एडिटिंग करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो भाई लोग, हम इस प्रकार के फोटो एडिटिंग करने के लिए पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो जो कि भाई लोग, हम इसको पहले इस प्रकार का फोटो एडिटिंग करने के लिए हम किसी पहले बैकग्राउंड को अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ले चलते हैं। भाई जैसे कि हमारा यहाँ पर एक बैकग्राउंड है, यह रहा हमारा बैकग्राउंड। हम इस बैकग्राउंड को लेकर चलते हैं मेरे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन। ये हमारा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन है। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ले जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, अब ऐड फोटो पर जाएंगे। ऐड फोटो पर जाने के बाद यहाँ से हम जो ये हमारा PNG स्कोर हम ले लेते हैं, यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से हम थोड़ा इसको जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद यहाँ से इसको हम यहाँ से इसे जूम करके अपने हिसाब से घटा बढ़ा करके लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं भाई, साइड में जो प्लस वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं दोबारा जो ऐड वाला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। ऐड फोटो पर, ऐड फोटो पर जाने के बाद यहाँ पर जो गर्ल का PNG पर इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम भी ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद इसको हम जूम कर लेंगे इस प्रकार से। और जूम करने के बाद इसको हम यहाँ से इसे लगा देंगे। उसके बाद भाई लोग, हम इसको यहाँ से फिर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐड फोटो पर जाएंगे। ऐड फोटो पर जाने पर ये जो मैरी क्रिसमस का PNG इसको हम क्लिक करेंगे और इसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको हम भाई यहाँ से स्क्रॉल करके बढ़िया से इसको हम लगा देते हैं। लगा देने के बाद सर जो प्लस वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम दोबारा ऐड वाले फ़ोटो पर जाएंगे। ऐड फोटो पर जाने के बाद हम यहाँ से जो PNG हमारा टोपी वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से हम जूम करके इसको यहाँ से ऐसे बढ़िया से लगा लेंगे। इसके बाद भाई लोग, यहाँ से हम थोड़ा बहुत इसको इरेज भी कर सकते हैं। यहाँ से इरेज ऑप्शन पर जाएंगे। ये जो थोड़ा हमारा जो साइड में बढ़िया, इसको हम कर देंगे इस प्रकार से। अभी आप देख सकते हैं भाई, हमारा फोटो कितना बढ़िया लग रहा है। इसके बाद हम प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ऐड फोटो पर जाएंगे। हम और PNG पर ले आएंगे। इसके बाद जो है हम पर मैरी क्रिसमस है इस पर क्लिक करेंगे। इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको हम यहाँ से जूम करेंगे, और जूम करने के बाद इसको यहाँ से बीच में से छोटा करके इसे लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद फिर ऐड फोटो पर जाएंगे। ऐड फोटो पर जाने के बाद यहाँ से हम जो ये पेड़ वाला PNG है इसको हम ले लेते हैं, इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से हम इसको लगा देंगे ऐसे, इस प्रकार से। इसको लगाने के बाद हम भाई लोग फिर यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पर जाएंगे। प्लस वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ से ऐड फोटो पर जाएंगे। ऐड फोटो पर जाने के बाद जो बर्फ़ वाला PNG है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको हम जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद यहाँ से हम थोड़ा इसको बढ़ा घटा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं हमारा पूरा स्क्रीन ब्लैक हो गया है। थोड़ा इसको इसे साइड करेंगे। साइड करने के बाद से देख सकते हैं ऊपर ब्लेंड वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। ब्लेंड वाले ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं भाई, जो हमारा स्क्रीन का ऑप्शन दे रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं भाई, जो ब्लैक था वो हट चुका है, सिर्फ बर्फ़ बचा हुआ है। इसके बाद जो हम जाएंगे इरेज वाले ऑप्शन पर, क्योंकि हमारे चेहरे पर बर्फ मतलब कहीं कहीं पड़ चुका है। यहाँ पर जाएंगे ऊपर से इरेज वाले ऑप्शन पर, यहाँ से इरेज कर लेंगे इसको। यहाँ से जाएंगे फिर दोबारा इरेज के ऑप्शन पर, इसको हम इरेज कर लेंगे। आप देख सकते हैं भाई, हमारा चेहरे पर से इस हट चुका है। इसके बाद हम दोबारा यहाँ से सही कर देंगे। ऊपर सही करने के बाद इसका हम डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं। भाई जो ऊपर वाला जो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर निकला है डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे हम। डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं भाई, कितना बढ़िया से लग रहा है। इस पर हम दोबारा जाएंगे इरेज वाले ऑप्शन पर। इसको जो चेहरे पर हमारा पड़ा है, इसको हम इरेज कर लेंगे। भाई लोग, चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन घंटी जरूर बजाना। यहाँ से भाई लोग, हम फिर यहाँ से सही कर लेंगे। सही करने के बाद यहाँ से फिर दो हम पूरे फोटो को अपना सही कर लेंगे। आप देख सकते हैं भाई, कितना बढ़िया फोटो लग रहा है।
इसके बाद हम इसको सेव करेंगे अपने गैलरी के अंदर। तो यहाँ पर जो कोने में सही वाला ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं भाई हमारा फ़ोटो यहाँ तो पिक्सआर्ट में सेव हो चुका है। इसके बाद हम इस ऊपर तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो भाई जो सेव का ऑप्शन दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं भाई ऊपर लिख दिया है सेव टू और गैलरी फ़ोटो।